इलाके इलाके के फर्क होते हैं, कुछ भैंस होती हैं बदीन की, अच्छा लाड़काने की, कुछ होती हैं हैदराबाद हैदराबाद की, लाड़काना की। तो कौन कौन सी शहर की जो है अच्छी भैंस होती है? बदीन की। बदीन की अच्छी होती है, मोहम्मद खान। अच्छा, 2-3 महीने की गबन है, चलो फिर तो भाई अच्छी चीज अच्छा हो जाएगा। थन इसके बराबर हैं चारों? बिल्कुल बराबर हैं। ये दूध वाली है और ये थोड़े से देखें चड्डा वड्डा भी इसका। बाकी इनमें दो चीज़ें होती हैं, चर्बी वाली और रूखी। तो वो तो काटने के हिसाब से उसमें होती है कि जो काटते हैं उनमें रूखी जो है महंगी है और जो चर्बी वाली है वो थोड़ी सी 19-20 फ़र्क है, वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कितनी आपको ये पसंद आ रही है कि ये इसमें से 10 में से कितने नंबर होने चाहिए इसके? 10 में से ये कम से कम इसमें 8 नंबर तो होने चाहिए। 8 नंबर होने चाहिए, मतलब 8 नंबर मतलब अच्छी भैंस है ये। अच्छी भैंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भैंस कॉलोनी की मंडी आ गया हूँ और इसमें ये कि भाई भैंसे कवर करूँगा दूध वाली। तो ये कि कमेंट में भी बता दिया करें और भाई क्या क्या चीज़ें कवर करें, तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। तो ये क्या सुबह की मंडी है, जल्दी आएंगे तो भैंसें मिल जाएंगी दूध वाली, तो कवर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चले। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है ना भैंसें होती हैं और कोशिश करूँगा इसमें दूध वाली, और बाकी पूछ भी लूँगा कट्टू और दूध वाली का फ़र्क और रेट वगैरह देते हैं आप लोगों को भैंसों के। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी यार भैंसों की, तो कोशिश करिए कि मैंने सब सुबह जल्दी जो है भैंसें होती हैं और फिर ये जल्दी जो है ख़त्म हो जाती है मंडी। क्या ख्याल है? यही है ना, यही मामला थे ना। बाकी इधर ये बताओ कि दूध वाली है दादा कट्टू है दादा? मिक्स है ये, अपनी है सामने वाली। क्या मांग रहे हो इसके? 1.55। 1.55 ये कट्टू है, दूध वाली है? दूध थोड़े है। अच्छा, अभी गबन नहीं है, खाली है? खाली है। खाली है, ठीक हो गया। इसमें दांतों का तो हिसाब नहीं होता ना? नहीं होता, बिल्कुल सही है। चर्बी वाली है बगैर चर्बी वाली है? बगैर चर्बी वाली है, ठीक है। क्या हो जाएंगे भाइयों वाली बात, आखिरी आखिरी बोल, मांग तुम। नहीं तुम बोल दो, कोई देखने वाला ले लेगा ये तो, एक यूट्यूब पे जाएगा। चल लेट कर लीजिए। हाँ लेट कर लीजिए, 1.5 का हो जाएगा, ठीक है। थन बराबर है? ठीक हो गया। अच्छा भाई आप लोगों को भाई पूरे जो है ना रेट वगैरह दे के देंगे। और ये देख लें भैंस है पूरी, मतलब अभी यूज़ हो सकती है, अभी दूध के लिए अभी आराम से यूज़ हो सकती है 2-3 साल बाद दूध के लिए, मतलब गबन हो जाएगी ना। नंबर है तुम्हारा? गबन करे यार, काटे तुम्हारा। नहीं अभी फारिक तो नहीं हुई ना, ये काम चल जाएगा, तो ये बोल रहा हूँ मैं। नंबर बताओ मेरा। हाँ 035 34 34 58 808 808, ठीक है। अगर ये नहीं बिकती तो कहाँ खड़ी है? 6 नंबर। अच्छा यही खड़ी, भैंस कॉलोनी में ही खड़ी है 6 नंबर पे, ठीक है। ये देख लें भाई भैंस है, और भी कुछ अच्छी भैंस से दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखें माशाल्लाह भाई, एक और भैंस देखिए आप लोगों के लिए, और इस भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? बकार भाई। ये कट्टू है या दूध वाली है? दूध वाली है। दूध वाली है, अभी खाली है गबन है? गबन है 2-3 महीने। अच्छा 2-3 महीने की गबन है, चलो फिर तो भाई अच्छी चीज अच्छा हो जाएगा। थन इसके बराबर हैं चारों? बिल्कुल बराबर। बिल्कुल बराबर हैं। अगर ये यहाँ नहीं बिकती तो कहाँ खड़ी हुई होगी? तो फिर घर लेके जाएंगे। घर लेके कहाँ से लाओ माल? गारों से भाई, गारों से आया माल। थन दिखा दूंगा उसकी पोजिशन, थन की सही है। 3 महीने की गबन बता रहे हैं भाई, और क्या डिमांड है इसकी? हम 2 लाख मांग रहे हैं। 2 लाख मांग रहे हैं, और देने वाली बात कहाँ पर है? देने वाली 1.70 तक आ जाएंगे। 1.70 तक आ जाएंगे। नंबर है अपना भाई? बोले नंबर बोले। ये मॉल लगा रहे हैं, और सौदे वगैरह भी दिखाऊंगा कुछ चिल्ला भरपूर भाई। ये अभी दिखाता हूँ, इससे नंबर लेता हूँ। जगह का इशू बहुत है। ये देखें भाई माशाल्लाह, भैंस दिखा भी रहे चला के भाई। ये तो ये देखें, अच्छा नंबर नहीं है। अच्छा भाई वो जो बंदा था ना, वो असल में ऐसा हुआ कि सौदा हो गया भाई का, तो फटाफट जो है ना ट्रक में चढ़ाने चले गए थे। बाकी सामने वाली से भी पूछता हूँ, ये वाली, बल्कि ये भी भाई जा रहे हैं। तो ये सुबह सुबह की जल्दी की होती है, तो 10 बजना जैसे ही शुरू हुए तो ये देखें माल सारा जाना शुरू हो गया। और बाकी ये के
इनसे भाई से थोड़ी सी मालूमात लेते हैं मछलियों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। हाँ भाई। दोस्त इसके ये कट्टू वाले या फिर दूध 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 दे रहा है? दूध वाली है। दूध वाली है, कट्टू भी होती है इधर? हाँ कट्टू दूध वाली भी होती है। भाई की भैंस है तो दांत बात का चक्कर नहीं होता इसमें जैसे बछड़ों में होता है। और ये रूखी और ये जो चिकनाई वाली होती है इसमें क्या फर्क है? थोड़ा ऊपर नीचे फर्क है। तो ये रूखी है अभी तो कि ये गबन है, खाली है? खाली है। ओए 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 टक्कर मार रही थी ये तो आगे चली गई। दादा पूछ रहा हूँ भाई पहले तो बचाओ अपना वो पहले। तो खाली है अभी, क्या डिमांड क्या है इसकी? क्या मांग रहे हो? 1.5 लाख। और इस वाली के? 1,20,000। ये दोनों रूखी हैं, थोड़ी सी ये अच्छी होती है मतलब बनिस्बत उसके जो वो है क्या कहते हैं क्या है उसको, चिकनाई वाली। ठीक हो गया तो इसके बताओ फाइनल फाइनल क्या हो जाएंगे? 1,10,000। 1,10,000 हो जाएंगे? अच्छा भाई 1,10,000 कह रहे हैं हो जाएंगे। और मतलब अभी यूज कर सकते हैं इसको, कोई लेके गबन करवाए आराम से यूज हो जाएगी अभी? अभी कट्टू नहीं है, थन वन बराबर है इसके? चारों थन बराबर है, देख भी लेंगे। नंबर है अपना तुम्हारा? नंबर नहीं है, कोई खरीद ले रब्ता वब्ता कर लेगा अगर कोई बेचना वेचना चाहोगे तो नंबर है तो दे दो। चलो ठीक है मर्जी है। तो ये है थन दिखा दूं, चारों थन कह रहे तो है बराबर है, बाकी एक है जो बेहतर जानता है इनके बारे में तो वो ज़्यादा पता लगा सकता है। ये वाली के मेरे ख्याल इसके क्या बोले थे फाइनल तुमने? 1,30,000। और बोले बोले क्या थे पहले? 1,50,000 बोले थे। 1,30,000 की फाइनल कर रहा है भाई। जो मसलो ना है, देख ले ये दूध वाली है और ये थोड़े से देखें चड्डा वड्डा भी इसका, बाकी इतना पता नहीं है इनके भैंसों के बारे में तो इस वजह से जा एक पूछ भी रहा हूँ। ये देखें भाई थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों को देता हूँ। एक यहाँ पे भी आप लोगों के लिए भैंस देखिए और इसका भी पूछ लेता हूँ कि क्या मामलात हैं। बाकी पहले ये भी खड़ी हुई है माशाल्लाह से, ये भी भाई खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। दोस्त ये अभी मतलब दूध वाली है या कट्टू के हिसाब से? पालने वाली है। पालने वाली है अभी, मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको? लग सकती है अभी। दांतों का तो हिसाब नहीं होता इनमें? दांतों में पूरी होती है, हिसाब नहीं है ना दांतों का तो। बाकी ये चारों थन बराबर हैं इसके? चारों थन बराबर हैं। और ये अगर नहीं बिकती यहाँ पे तो कहाँ लेके जाएंगे अभी आप इसको? यही की है मतलब भैंस का नहीं की है? अच्छा तो नंबर देना चाहोगे अगर बेचना है होगी तो? क्या डिमांड क्या कर रहे हो आप इसकी? 1,60,000 देने वाली बात? अच्छा 5,000-8,000 कम कर देंगे? ठीक है ये देख लें। और मैं थन भी दिखा देता हूँ इसके, बाकी नंबर बता दें अपना। है नंबर है? बोले 0313-24-81-530। ठीक है कट्टू का भी इधर ही आता है माल, इन्हीं में होता है? अच्छा इस तरफ ये सारी दूध वाली गाय भैंसे हैं? अच्छा ठीक है यहाँ पालने वाली हैं सारी जो यूज़ हो सकती हैं। ये देखें एक ये भाई थे और इसका भी मैं पूछ लेता हूँ क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अच्छा दे दिया तो वैसे बता दो इसकी क्या डिमांड क्या है वैसे? देने वाली 1,70,000 डिमांड है, देने वाली 1,60,000 है। तो ये सारी यूज़ वाली हैं भाई, अब जो है इसमें पूछूंगा नहीं कि कट्टू है या फिर वो है, सारी ये यूज़ वाली हैं। भाई ने सारा बता दिया मामला क्या है, बाकी इनमें दो चीज़ें होती हैं चर्बी वाली और रूखी, तो वो तो काटने के हिसाब से उसमें होती है कि जो काटते हैं उनमें रूखी जो है महंगी है और जो चर्बी वाली है वो थोड़ी सी 19-20 फ़र्क है, ऐसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें बाकी ये कि सारी भैंसें, अच्छा ये काटने के हिसाब से होती होगी रूखी और ये चिकनाई वाली, वरना पालने के लिहाज से तो सेम रेट होते होंगे? अच्छा
पालने के हिसाब से जो रूखी है वो अच्छी होती है या फिर चिकनाई वाली? दोनों अच्छी होती है, बराबर रेट होता है, मतलब काटने के हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई रूखी है या फिर चिकनाई वाली। सही सही सही, वो फिर रूखी लेते हैं ज्यादा शौक से। सही सही, वो चर्बी वाली लेके जाते हैं। बिल्कुल यार, आपने जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें भाई, कुछ और भी दो तीन दिखाता हूँ और आपको। अच्छा भाई, एक ये भैंस है और ये भाई से पूछते हैं इसके मामलात क्या हैं। ये भाई बैठे हैं हमारे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? अच्छा जी, इधर भेड़िया है, चले भेड़िया थे इधर। चाचू क्या डिमांड है इसकी? इस भैंस का? जी जी, इसका एक पचास, एक डेढ़ लाख। तो ये यूज हो सकती है अभी? कट्टू नहीं है? नहीं नहीं, कट्टू नहीं है, ये पालने वाली है। पालने वाली है, ठीक है। इसकी उम्र कितनी होगी अभी? उम्र तकरीबन दो ढाई साल होगी, तीन साल हो। दो ढाई साल, ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब नहीं, नहीं, नहीं। जवान है अभी? जवान है, पहला पेट है, मतलब। अच्छा, पहला पेट दिया हुआ है? मतलब पहला बच्चा दिया, पहला पेट दिया हुआ है, मतलब अभी जो लगवाएगा तो दूसरा पेट देगी। अभी खाली है, लगी खाली है? खाली है। तो क्या डिमांड है इसकी? एक पचास। एक पचास। और क्या फाइनल फाइनल भाइयों वाली बात? थोड़ा बहुत कमती बढ़ती होगा, हो जाएगा। तो ये बताएं, ये रूखी और ये चिकनाई वाली का क्या फर्क है? ये असल में चिकनाई का फर्क होता है ना, ये भैंस है दूध पालने वाली, पालने वाली अलग भैंस है, कट्टू अलग। अच्छा, चिकनाई और रूखी में पालने में चक्कर नहीं है कोई भी? नहीं, नहीं। वो काटने में जब चक्कर है, जब रेट ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही वाली होती है? हाँ हाँ हाँ, कोई गोश्त वाली होती है? अच्छा, ये चारों थन बराबर होते तो काम की है, अगर ये जवानी में ही थन छोटा बड़ा हो जाए तो काम खराब हो गया, फिर काम खराब, फिर समझो कटने में जाएगा। अच्छा, फिर कट जाएगी, भले वो जवान हो, पेड़ उसने पहला दिया हो चाहे। असल थन जो बराबर होते हैं, थन पूरे होते हैं जी, खराब हो गए समझो फिर कटने में जाएगा। अच्छा जी, ठीक है भाई, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों को और थोड़ी से पहचान भी हो गई कि भाई चारों थन बराबर हो तो भैंस काम की है, तो काम की है, वरना फिर काम की नहीं है। तो इस भैंस को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मतलब कितनी आपको ये पसंद आ रही है कि ये इसमें से 10 में से कितने नंबर होने चाहिए इसके? 10 में से ये कम से कम इसमें 8 नंबर तो होने चाहिए। 8 नंबर होने चाहिए, मतलब 8 नंबर, मतलब अच्छी भैंस है ये? अच्छी भैंस को। तो 10 में से 10 नंबर किसको देंगे, किस भैंस को देंगे? 10 में से 10 वो भैंस को देंगे, उसने भी पहला पेट दिया हुआ? दूसरा पेट है। अच्छा, दूसरा पेट, उसके चारों थन बराबर है, उसकी क्या डिमांड है, वो भी आपकी है? इलाके इलाके के फर्क होते हैं, कुछ भैंस होती हैं बदीन की, कुछ अच्छा लाड़काने की, कुछ होती हैं हैदराबाद हैदराबाद की, लाड़काना की। तो कौन कौन सी शहर की जो है अच्छी भैंस होती है? बदीन की। बदीन की अच्छी होती है? टंडो मोहम्मद खान, टंडो मोहब्बत मोहम्मद खान की और बदीन की, भाई कह रहे हैं अच्छी होती है। तो ये आपकी अपनी भैंस है? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा यहाँ पे बेचते हैं आप? क्वालिटी बताएगी ये भैंस की कौन से लगे। अच्छा माशाल्लाह भाई, ये के भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और ये आप लोगों को इजाफा किया। तो ये के आप अपना नंबर देना चाहेंगे अगर किसी को खरीदनी हो, आपसे रब्ता करना चाहे? तो आप बता भी दें, कोई मतलब पहचान वगैरह नहीं हो, किसी को खरीदनी हो आपसे खरीद ले तो नंबर दे दें आप अपना। साल के 12 महीने 0300 8989228 ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है? नहीं नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ये कॉल करे बस। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। क्या नाम है आपका? इब्राहिम मरी बलोच। इब्राहिम भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई यहाँ पे इसको वीडियो को इख्तिताम करते हैं, और ये देखें यहाँ पे सारी जो भैंसें हैं, आज के दिन बुध वाले दिन लगती है सुबह जल्दी, और ये 10 बजे का टाइम अभी भी है, थोड़ी सी कम होते जा रही है। तो थोड़ी सी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे यार नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।